तुम सुबह से वैसे भी मेरे से बोल ही रहे हो, बोल रहे हो तो सड़के बोल रहे हो। और ये देख लो यहाँ पे अडल्ट टॉयज सुपरमार्केट, मूड की ना मतलब माँ बहन हो गई है हमारे। कोई आके बैठो प्लीज। मैं अभी सुनील शेट्टी जो मेरे चाइल्डहुड क्रश है उनको मिली और उन्होंने मुझे देख के बोला ये देखो। I'm feeling very good. नींद भी बहुत अच्छे से पूरी हुई। सिंगापुर पहुंच के बहुत अच्छी खुशी हो रही है। Good we decided Singapore. So सिंगापुर के एयरपोर्ट पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो लोग वैसे भी देखने आते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो हमारे चेक इन में काफी टाइम है, हम लोगों की फ्लाइट का लैंडिंग का जो टाइम था और जो होटल चेक इन का टाइम था दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग चेक इन का टाइम जब तक होगा नहीं तब तक हम जो एयरपोर्ट पे चीजें हैं देखने वाली वो हम कवर कर लेंगे। हाँ थोड़ी सी बैंड बच जाएगी बिकॉज पूरी रात ट्रैवल किया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, एनर्जी पूरी है। पूरी जी, पूरी जोश, हाउ इज द जोश मैडम? और मैं इंडियन पहना ही, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। सिंगापुर में मैंने इंडियन पहना हुआ है, चिकनकारी की कुर्ती पहनी हुई है। मैं भी। तुमने कहाँ से इंडियन पहना हुआ है? सूरत तो इंडियन नहीं, मेरी तो इटालियन लगती है। इस वक्त तो तुम्हारी पता नहीं क्या ही लग रही है, शतुरमुर्ग लग रही है। इस वक्त तो तुम सिंगापुर के नहीं चिंगापुर के लग रहे हो। इंटरनेशनल में आपकी पहली बेइज्जती के लिए थैंक यू। ये इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती है। सुंदर एयरपोर्ट है, क्या सुंदर, मतलब आंखें खुल रही हैं भाई। ब्रांड्स तो हैं ही बहुत बड़े बड़े, वो ठीक है, बट इतने सुंदर सुंदर स्टोर्स है ना यहाँ पे, मजा आ गया। कितनी भी उड़ी बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली मैंने सुना ही नहीं है कभी ये। कभी वो गाइस तुम्हें लिखना है कमेंट में कि इसके बाद क्या बोलती है तितली। Oh my God! Butterfly garden means a lot of butterflies. कोई आके बैठो प्लीज। बेल्ट पे सामान लेने के लिए आए थे तो बेल्ट तो हमें खाली मिली, हमारे बैग यहाँ पे पड़े हुए, किसी ने फेंक के रखे हुए। हम लोगों ने बटरफ्लाई गार्डन में कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। वेट कर रहा है मेरा रूम टूर देने का। सही बोला कबू तू, मुझे लग रहा है वॉश बेसिन के अंदर खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे तब होगा शावर, क्योंकि यहाँ तो कोई जगह नहीं। कबू यार कितने छोटे छोटे हैं यार। गॉड लाइक दिस इज लिटरली टू पीपल स्टैंडिंग एंड द वॉशरूम इज ओवर। ठीक है काम हमारा, हमने कौन सा होटल में रुकना है यार, इतना बाहर घूमना है हमने। ठीक है एंड ऑल्सो बिफोर कमिंग जब मैं रिसर्च भी कर रहा था मैंने अपने दोस्त से भी बात करी थी, सौरभ जो यहाँ पे रहता है उसने मुझे बताया था कि डू नॉट एक्सपेक्ट बिगर रूम्स हियर इन सिंगापुर बिकॉज यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, लोगों के रूम्स छोटे होते हैं, घर बहुत छोटे होते हैं बिकॉज एक बहुत छोटे सर्कमफेरेंस में पूरी के पूरा शहर फैला हुआ है, और अगर आपको बड़े रूम्स एक्चुअली चाहिए तो यू हैव टू गो टू अ वेरी बिग बिग होटल व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑब्वियसली इज एन एक्सपेंसिव कंट्री, वेरी एक्सपेंसिव एंड वी वुड लाइक टू यूज द मनी ऑन एक्सपीरियंसेस रादर देन जस्ट अ बेड, सो दिस इज फाइन विद अस, इट्स ओके। मैं तो वो सोच रहा था कि एक बेड निकलवा ही देते हैं, तूने वैसे भी मेरे चिपक के सोना होता है तो जगह भी बन जाएगी थोड़ा नाचने में। मैं तो नहीं चिपक चुपक के सोती तुम्हें। तो हम लोग
सो गए थे और एक्चुअली वी आर लेट फॉर आवर फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने सोचा था, बट थैंकफुली जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं उसके दो टाइमिंग्स होते हैं 7:45 और 8:45। तो 7:45 की तो हमारी जाग नहीं खुली थी, वी वर डेड, वी वर सो टायर्ड, बट अब हम 8:45 के शो के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ से हम लोग सबसे पहले पैदल जा रहे हैं, जो हमारी अकोमोडेशन है उसी के पीछे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे बस मिलती है, जिससे हम पहुँचेंगे गार्डन बाय द बे, जहाँ पे हम लोगों का प्लान है जाने का। इट्स अ लाइट शो, अभी और ज्यादा पता नहीं है मुझे, कम्बू ने सारा प्लान किया है एज ऑलवेज, सो या वी जस्ट गोना कैच द बस नाउ। दिस इज अ बस स्टॉप, सो हमारी जो बस है वो 51, 63 या 80 नंबर में से हमें एक कोई बस पकड़नी है। बट यहाँ पे मैंने देखा है, जब हम खाना भी खाने आए थे, यहाँ पे सारी डबल डेकर बसेस ही चलती हैं, मैंने कोई भी ऐसे सिंगल नहीं देखी। पीछे सिंगल है? अच्छा पीछे है, मैंने फर्स्ट देखी है, बट अदरवाइज यहाँ पे मोस्टली डबल डेकर चलती है। दिस इज द कार्ड जिसको कहते हैं इजी लिंक कार्ड, ये काफी चीजों में यूज होता है। यहाँ पे बस में जा रहे हो या फिर आप मेट्रो में जा रहे हो, MRT वगैरह में जा रहे हो, आप कुछ खाने का भी खरीद सकते हो, बस आपको उसको बार बार टॉप अप कराना पड़ेगा। तो अभी हम जिस ट्रेन को पकड़ के, MRT को पकड़ के हम लोग आए थे, वहाँ पे भी इसी का इस्तेमाल हुआ था, राइट? और ये देख लो यहाँ पे अडल्ट टॉयज सुपर मार्केट, तो सारे सेक्स टॉयज वगैरह जो होते हैं वो सब बड़े आराम से यहाँ पे मिलते हैं। बस आ गई हमारी। आफ्टर 6 स्टॉप्स हमारा स्टॉप आएगा, जहाँ से हमें फिर से बस चेंज करनी है और फिर हम पहुँचेंगे अपनी लोकेशन पे। बसेस के अंदर भी मतलब CCTV कैमराज लगे हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉप इज आर्स। तो जी हम लोग बस से उतरे हैं और बारिश शुरू हो गई है। वैसे हम इंडिया से अम्ब्रेला कैरी करके लाए थे, बिकॉज हमें पता चला था कि यहाँ पे बारिश बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है, बट हम लेके नहीं आए बिकॉज बिल्कुल ही नहीं लग रहा था यार। तो हाँ, काफी अनप्रेडिक्टेबल है। कमो रुक जाए यार, वी आर लेट, ओके, बट देन यू वांट टू लूज योर वाइफ, बट विल आई लूज द लाइट शो आल्सो। गंदा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बस की ओर, बारिश फाइनली रुक चुकी है। यहाँ पे ऐसे पैदल जाने वालों के लिए भी ग्रीन लाइट और रेड लाइट होती है, बाय द वे यू कांट क्रॉस इट, बड़ा फाइन होता है। प्लान गंदा फ्लॉप हो गया, हम लोग नहीं जा सके जहाँ हमें जाना था। बाकी स्टोरी मैं आपको होटल वापस पहुँच के आराम से बताऊंगी, जब भी बता पाई। मूड की ना मतलब माँ बहन हो गई है हमारे, हम थोड़ा लड़ भी लिए हैं वैसे। दिस इज कमलजीत राणा जो इस वक्त फूके हुए हैं मुझसे, देखा देखेगा नहीं कैमरे में, अभी नहीं देखा मैं मेरे से। लेकिन तुम क्यों बात नहीं करोगे भाई, एक सेकेंड, मेरी गलती कहाँ रही है? कोई गलती नहीं है। एनीवे तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा कुछ खास मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, और भूख से जान निकल रही थी, तो यहाँ पे आ गए हैं और हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया, बिकॉज वेज में सिर्फ एक ही चीज़ हमें दिखी जो हम ऑर्डर कर सकते थे, दैट वाज पिज्ज़ा, और उसमें वेजिटेरियन पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो ये बताओ, हो गई हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई सॉल्व? सच बोला करो, सच सच बोला करो, अगर प्यार दिखाते हो लड़ाई भी बता दिया करो। हाँ, कभी कभी अभी ठीक फील कर रहे हैं, बेटर तो हैं। तो हमने पहले ये सोचा था कि हम शायद बिग बस टूर भी करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए वो, और अब जिस तरीके से हम बसों में घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम बस टूर तो कर रहे हैं लेकिन इंटरसिटी बस टूर कर रहे हैं एक तरह से। कमलजीत राणा बुकिंग करते हुए बाकायदा फेल होते हुए, हमने जिंदगी में इतने फेलियर्स टोटल नहीं देखे होंगे जितने आज हमने देख लिए हैं। कमलजीत राणा कुछ कहना चाहेंगे आप? को इतने भी नहीं थे फेलियर यार। तो फिर इतना गुस्सा क्यों किया तुमने मुझ पर? बस इतना बता दो यार, वो इसलिए किया कि मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हम वो देख पाए। मेरी गलती क्या थी मुझे बताओ? तुम्हारी भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं थी। तुम्हारी गलती तुम्हें अभी भी लग रहा है कि नहीं थी? तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि वो क्यों हुआ, तुम्हारी गलती ये थी कि तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे थे सारा दिन। तो अभी गलती कौन सी वाली है, कि तुम्हारे पे भड़कने वाली या वो? हाँ, मेरे पे भड़कने वाली, जबकि मेरी तो कोई गलती नहीं, सारा दिन एडजस्ट किया। इस लड़के ने मुझे पहले गलत स्टेशन पे उतार दिया, कह रहा जो गलत स्टेशन पे उतर गए, कोई बात नहीं, कम दोबारा से ट्रेन चढ़ जाते हैं हम, दोबारा सही वाले पे उतर जाएंगे। शाम को एक्चुअली मेरा प्लान क्यों फ्लॉप हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि जिस तरफ से बस मिलनी थी कमल को ऐसा लगा कि हमने उसके ऑपोजिट तरफ से मिलनी है, तो हम पूरा चल के गए, और वहां पे कैसे है ना पूरा ऐसा रोड क्रॉसिंग वगैरह, ऐसे नहीं कि बीच में से कहीं से भी निकल लो इंडिया की तरह, है ना। काफी आगे हम चल के गए, कुछ 300 मीटर्स में भी चल के गए, और फिर 300 मीटर्स वापस भी आए, क्योंकि समझ जाओ मतलब बहुत दूर था, ठीक है। जब हम वहां पहुंचे
बड़ी देर हमने बस की वेट करी, फाइनली जब टाइम आया कि 133 नंबर की बस आएगी, कमल तो वहां पे वेट कर रहा था, मैंने कहा कमल ये तो ऑपोजिट साइड पे एक तो 133 नंबर की बस आई है वहां पे रुकी है, तो यानी हमें बस वहीं से मिलनी थी जहां से हम एक्चुअली आए हैं। कमल कह रहा नहीं नहीं या तो फिर ये यहां पे आएगी, फिर हम वो चेक भी कर रहे थे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में दिखा रहा था डिपार्टेड, फिर ये भी हुआ तो मैंने फिर कमल को बोला कि कोई बात नहीं यार कुछ नहीं होता, हम कुछ और कर लेते हैं आज रहने देते हैं, लेकिन प्लान फ्लॉप हुआ तो मेरी तो गलती नहीं है ना इस आदमी ने मेरे साथ। पहले ये बोलो मेरी भी गलती नहीं थी तुम्हारी, मैं तो कह रही हूँ अगर तुम्हारी गलती होती तो मैं तुमको कुछ बोलती, तुम्हारी गलती है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इट्स फाइन अगर कोई चीज छूट जाएगी, कहीं गलत उतर जाएंगे, कुछ चढ़ जाएंगे तो यही होता है, नई कंट्री में आते हो तो अब यही होता है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब फिर तुम सड़ जाओ कि भाई कैसे कोई चीज रह गई, मैंने जो आइटनरी प्लान की थी वो कैसे खराब हो गई, लाइट शो करेंगे आज ही करेंगे, कह रहा अब अगली बस हमें इतने बजे मिलेगी, लाइट शो तो शुरू हो जाएगा बट हम कोई बात नहीं, गार्डन क्या नाम था, गार्डन्स बाय द वे वैसे ही घूम के आ जाएंगे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मतलब हम जो लाइट शो के लिए जा रहे हैं हम उसी के लिए जाएंगे ना यार, हम फालतू में घूम के क्यों आ जाएंगे पैसे लगा के, हम इस शो को कल कर लेंगे, बट नहीं वही वाली बात हो गई। फिर हमने बड़ी देर तक पहले तो बहस हुई, फिर लड़ पड़े, फिर हमने बात नहीं की एक दूसरे से, फिर खाने पे बहुत बहुत सही, ये आदमी ने मुझे आज बहुत तंग किया, मैं बता रही हूँ, सब समझा दो इस आदमी। एक तो भाई इस औरत की जो भूख है ना वो लगती है ऑड टाइम्स पे, मैं हूँ वेजिटेरियन, नहीं 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 नो नो मैं हूँ वेजिटेरियन, बोला नहीं मेरे को बोलने का, देखो मैं हूँ वेजिटेरियन, ठीक है वेजिटेरियन नहीं मतलब एगिटेरियन हूँ मैं अब, ठीक है, तो मेरे को मुश्किलात होती है बहुत जब मैं बाहर जाती हूँ खाने में, ठीक है, तो आज जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने एग का एक डिश ऑर्डर किया था वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वो आधा एग पराठा था, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था बीफ पोक इनके बिना, ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं इट्स ओके लेट मी ईट इंडियन ओनली बट लेट मी जस्ट फिल माई स्टमक बिकॉज मैंने कुछ नहीं खाया ढंग से सुबह से, एंड मुझे एंडो वाला पेन भी हो रहा है, एंडो वाले पेन में ऐसे होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती मुझे वो क्या दर्द होता है, और आज सुबह मुझे वो चालू हो गया था, आई जस्ट वॉन्टेड कि भाई हम लाइट शो पे जाने की जगह खाना खा लेते हैं पहले एंड फिर हम देखते हैं क्या करने, बट ही सेड कि नहीं खाना मत खाओ पहले लाइट शो पे जाएंगे। मैंने आधा पराठा खाया हुआ था दोपहर को कुछ 2 बजे और रात के 8:30 बजे तक हम सड़क पे घूम रहे थे, तो एनीवे वो वाली बातें हुई सारी। अब ये हो रहा है हम कल का दिन प्लान कर रहे हैं, कल का दिन प्लान करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कल की जो हम जहां जाना चाहते हैं वहां की टिकट जो हम बुक कर रहे हैं वो हो नहीं पा रही हैं, सो अब मैं सोच रही हूँ हम करण को फोन करते हैं कमू, मेरे हिसाब से हमें करण से करवा लेनी चाहिए, ठीक है, तो वी आर थिंकिंग क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कार्ड वार्ड एक आधा सीन कुछ हो गया है, ठीक है, तो अब हम सोच रहे हैं इंडिया में हमारा जो करण बार दे फ्रेंड है जिसके साथ हम बाली भी गए थे उसको बोलते हूँ बुकिंग कर देगा और बाद में अपन कर लेंगे जो भी है, नहीं हो रहा है हम काफी बार ट्राई कर चुके हैं। मुलायजा फरमाएगा, मैं कहना चाहता हूँ कि इस औरत की भूख बहुत अब्रप्ट टाइम पे लग रही है इसको आजकल, अब्रप्ट टाइम 8:30 बजे पूरी दुनिया खाना खाती कमल, बचा मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा जा तो घर में कितने बजे डिनर, पर हम तब वहाँ पे शाम को स्नैक्स भी तो खाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 रुपए की चीज नहीं खाई हुई थी कमल। मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरे से, क्या तू लंच के लिए गई तेरे को खाना पसंद नहीं आया ना, हाँ। तो तू उसके बाद जब 7-11 ऐसी जगह पे घुसे तो तुमने अपने अपने लिए कुछ हल्का फुल्का क्यों नहीं लिया, ये बताओ मुझे 1 सेकंड पूरा हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से, नहीं लिया ना, लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया। भूख किसे लग रही थी, ज्योति सेठी को लग रही थी, मैंने पानी का टेक केयर कर लिया था, पानी की बोतल बैग में रख ली थी, अभी भूख किसको लग रही थी, ज्योति को लग रही। गाइस देख रहे हो आप कितना चेंज हो गया आदमी, कितना चेंज हो गया, देखो कह रहा है ज्योति को भूख लग रही थी, ज्योति को रखना चाहिए था, देख रहे हो ना आपका जीजू जिसे करते हो कितना चेंज हो गया। तुम्हें पता है आज जो सिंगापुर का पहला दिन था, जब हम सिंगापुर आने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे नहीं आ रहे थे और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कैब ड्राइवर मिले थे, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वॉज मच बेटर देन आर सिंगापुर डे वन। क्या बिकॉज बोल दे कैमरा ऑन है तो बोल दे क्या है भाई, मैं नहीं बोल रहा, हम तो बहुत बुरे हैं जी, हम लायक ही नहीं है कहीं लेके जाने के, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे अब। एनीवे अब थोड़ी चीजें ठीक है, अब माहौल जो है यहाँ का ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। कमल में तो भाई बहुत गुस्सा भरता जा रहा है, मेरे को बाद में मत बोलना फिर, धमकी दे रही हूँ मैं तेरे को, मेरे को बाद में मत बोलना, मैं बता रही हूँ सबको, हाँ मैं बता रही हूँ, तुम बहुत गुस्सा करने लगते हो मुझ पे, तू कितना मैं तेरा ध्यान रखता हूँ एयरपोर्ट, आज एक बार भी पुराने वाला कमल होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, आज एयरपोर्ट पे मैं दर्द में थी बहुत ज्यादा, मुझे एंडो का दर्द हो गया था, मैंने अपनी हैवी वाली पेन किलर खाई, लेकिन उसके असर करने में 30 मिनट्स लगते हैं मुझे, उस बीच में मुझे ऐसा लगा कि शिट मैं तो खाली पेट हूं, तो मुझे 2 बिस्किट खा लेने चाहिए जिससे मैं दवाई खा सकूं, तो मैंने कमल को बोला कि कमल बिस्किट कहाँ पड़े हैं, कमल कह रहा बैग में पड़े होंगे, पुराने वाला कमल होता ना मेरे को बिस्किट निकाल के देता कि ज्योति तो दर्द में है, इसने मुझे बोला कि बिस्किट बैग में पड़े हैं, मैं ढूंढ रही हूँ इसकी आंखों के सामने दर्द में, एक हाथ पेट पे है और एक हाथ में ढूंढ रही हूँ, बट ठीक है इट्स ओके, मेरे को मत बोलना बस बाद में। मैं क्या कर रहा था उस टाइम, तुम क्या कर रहे, तुम पता नहीं कौन सी प्लानिंग कर रहे थे जो सारी फेल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सिंगापुर से हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा, शुभ शुभ बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगा,
मत बोलो तुम सुबह से, वैसे भी मेरे से बोल नहीं रहे हो, बोल रहे हो तो सड़के बोल रहे हो। ओके बाय। लो जी, करण बारदे ने, हमारे दोस्त ने, हमारी मेरे दोस्त ने हमारी टिकट बुक कर दी है। टिकट बुक हो गई है। थैंक यू करण।